आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। दंदरुआ धाम में डॉक्टर हनुमान जी महाराज के सानिध्य में चल रही सी प्लान समारोह में कथा व्यास पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री वागेश्वर सरकार की अगुवाई में उमड़ रहा भारी जनसैलाब। सी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर श्री श्री 1008 दंदरुआ सरकार रामदास महाराज जी ने के सानिध्य में श्रीमद भागवत कथा में भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। लगभग 5 लाख लोगों ने मंगलवार को दिव्य दर्शन किए और हनुमान जी महाराज की कथा का आनंद लिया। इस मौके पर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री ओपीएस भदौरिया, राज्य मंत्री रणधीर सिंह एवं भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवा सहित तमाम जनप्रतिनिधिगण मौके पर मौजूद रहे। देखिए आपकी जन अदालत न्यूज की इस खास रिपोर्ट मेरे साथ। कृतज्ञ धन्यवाद कर दिया 1008 श्री श्री महंत पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने जो तपस्या की इस दरुआ भूमि पे, उस तपस्या का प्रतिफल आज हम लोगों को दिखाई दे रहा है। पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने 26 साल पहले यहाँ से शरीर छोड़ दिया था, उसके बाद ये CAPM मिलन समारोह प्रारंभ हुआ और उन्हीं की मूर्ति हम लोग पुरुषोत्तम दास जी महाराज को ही देखते हैं अपने रामदास जी महाराज में। गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की तपस्या से,
डॉक्टर हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं, उनकी कृपा से ये सब संभव हो रहा है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मुख्य यजमान कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो गुरु जी की चरणों का सेवक हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि पंडाल छोटा पड़ गया है, जनता बन नहीं रही है, तो क्या करेंगे? पंडाल तो कितना ही बड़ा लगा देते, कितनी बड़ा पंडाल। महाराज जी कह रहे थे LED लगा दो। महाराज जी कह रहे, अब LED की एक सीमा होती है, LED की सीमा होती है कि हर 100 फुट पे एक LED, 80-70 फुट पे एक LED चलती है, और 700-800 फुट के बाद LED काम करना बंद कर देती है। फ्रीक्वेंसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, तो वो LED महाराज जी ने कही LED लगा। 400 फुट कहते हैं टेंट वाले के, 400 फुट से ज़्यादा LED काम नहीं करती, 500 फुट से ज़्यादा। हमने 800 फुट घेरी है। आज महाराज जी ने हमसे कहलवा लिया, मंच पे खड़े होकर कहलवा लिया कि सामने वाले हटा दो, हटा देंगे, LED बढ़ा दो, बढ़ा देंगे। LED पर धुंधला दिखने लगता है, 1000 फुट तक भाई साहब LED काम नहीं करती। तो मैं क्षेत्रीय जनता से माफ़ी चाहता हूँ, मैं सवेरे हटवा दूंगा, सामने जो लाइन बनी है उस लाइन को हटवा दूंगा, LED रात को बुला लूंगा, बढ़वा दूंगा, दिखाई दे नहीं दे। जो आंखों में एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट भव व्याद। तो क्या है कि आपके कानों में आवाज़ पहुंच रही है, वो भी आपको कृतार्थ करेगी, आपको दिखाई दे रहा है, तो अभी आपके पे आशीर्वाद बरस रहा है। नमस्कार, आपकी जन अदालत में से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं समय पहुँच चुका हूँ दंदरुआ धाम, जहाँ पर संपूर्ण भारतवर्ष से परम पूजनीय महाराज जी रामदास महाराज अखंड पीठ के दर्शन करने के लिए आप सबको मौका मिला है। और आज धीरेन्द्र किन शास्त्री महाराज, बागेश्वर महाराज की, हनुमान जी महाराज की कथा चल रही है। महाराज जी, क्या आप संदेश देना चाहेंगे भक्तों को? यहाँ जो है दंदरुआ सरकार की जय, दंदरुआ सरकार की बड़ी कृपा है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। हमारे गुरु महाराज तपस्वी थे, उनकी तपस्या का प्रकाश हो रहा है। और ये हमारे गुरु महाराज का ये 26वां ये शिव मिलन महोत्सव है, उसमें जो बागेश्वर धाम के जो शास्त्री जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनकी कथा हनुमान जी के ऊपर ही हो रही है जी। बड़े भक्त हैं और उन पर वास्तव में हनुमान जी कृपा है और उनके सन्यासी बाबा की कृपा है। बिहार से, बंगाल से, गुजरात से, पंजाब से काफ़ी लोग, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से काफ़ी लोगों को मिला हो रहा है। वर्ष दंदरुआ धाम में कुंभ के रूप में तब्दील हो गया है, पूरा भारतवर्ष जानना चाहता है दंदरुआ धाम की क्या लीला है। दंदरुआ हनुमान जी जो है विश्व में एक ही हनुमान जी ऐसे हैं, डॉक्टर हैं, आद वैद्य हैं, यहाँ देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार स्थायी रूप से निवास करते हैं। चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे सांस की बीमारी हो, चाहे हार्ट की, चाहे BPI हो, चाहे डायबिटीज हो, कोई बीमारी हो, उसके सभी की स्पेशल दंदरुआ सरकार है। इसलिए यहाँ दंदरुआ आता है वह धन हो जाता है, कैसा भी रोग हो मिट जाता है, टन हो जाता है। इसलिए यहाँ का प्रभाव विशेष है और जनता जो है बहुत दुखी है, बहुत बीमारी के मारे, कुछ चक्करों के मारे, तो सभी को यहाँ शांत करते हैं, यहाँ बीमारी भी ठीक होती है, चक्कर भी ठीक होते हैं। और दानदाता खुद दान दे रहे हैं, उनका पैसा जो है बड़ी सुकृत में लग रहा है। यहाँ ये अच्छे दान है, क्षेत्र अच्छा हो, समय अच्छा हो और पात्र अच्छा हो, तो अच्छे दान मना था, ये अच्छे दान हो रहा है यहाँ। महाराज जी, जो अखंड भंडारा है वो कब होगा और कितने कितने संख्या में आप संख्या सोच रहे हैं क्या? अखंड भंडारा चल रहा है 8 तारीख से ही। वैसे तो अखंड हमेशा ही चलता है, कोई भी आए, कोई भूखा नहीं जाता यहाँ से। ये हमारे गुरु महाराज की आशीर्वाद है, उनका आदेश था, उसका पालन हो रहा है, वो हनुमान जी कृपा से खूब हनुमान जी दे रहे हैं। तो ये अखंड भंडारा चल रहा है, लेकिन 5 दिन से जी बचाना बड़ा विशेष है हो रहा है श्रद्धा के भक्तों का। महाराज जी, पूरा भारतवर्ष जानना चाहता है कि दंदरुआ धाम के महंत का संपूर्ण भारत के लिए क्या आशीर्वाद है और किस तरीके से ये धाम संपूर्ण विश्व में भी आगे बढ़े, उसके लिए क्या संदेश है? हम तो पूरे भक्तों के लिए, विश्व के भक्तों के लिए आशीर्वाद देते हैं। हमारे भक्त जो है किसी प्रकार दुखी नहीं रहे, चाहे रोगी हो, चाहे कोई चक्कर हो, हनुमान जी से प्रार्थना कर, हनुमान जी महाराज सभी भक्तों की आप संकट मेटें, क्योंकि साफ संकट मोचन है। हम यही प्रार्थना करते हैं, हे हनुमान जी, हमारे भक्त जो हैं यहाँ को, यहाँ के भक्त हैं, यहाँ को नहीं मान रहे वो भी यहाँ के भक्त बन जाएँ और उनको भी यहाँ लाभ मिले पूरे। उसके लोग चाहते हैं हनुमान जी आप एक ही एकमात्र हैं, आप सभी को लाभ दें, सभी को स्वस्थ करें, सुखी करें, रोग रहें, सभी खजाना भर दें, सबके भंडार भर दें। जय हो। तो इस समय अखंड पीठ के पीठाधीश महाराज रामदास महाराज महामंडलेश्वर दंदरुआ धाम से हमारे साथ आपकी जन अदालत के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जुड़े हुए थे। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए उनका लक्ष्य है कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और संपूर्ण भारतवर्ष हमारा स्वस्थ हो, दी हो, क्योंकि हनुमान जी महाराज स्वयं डॉक्टर हनुमान जी महाराज हैं, संपूर्ण भारत स्वस्थ बने यही उनकी कामना है। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ। नमस्कार।